कि भाई आज गंदम का दलिया है और आलू और गंदम के दलिए का पुलाव बना रहा हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल करने वाला है, वही कबूल फरमाएगा, आमीन। ये बनाना भी सीख रहा हूँ, दुआ करें इसमें भी मास्टर बन जाएं। कुछ तितरों की खुराकें भी आपको बताई है बनाना, कुछ वो सीखिए, कुछ ये नया काम कुकिंग वाला भी सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब इसी चैनल पे मैं व्लॉगिंग भी करूँगा इंशाल्लाह, रेसिपीज की वीडियो और काला तितर की खुराक की वीडियो, तितरों की वीडियो, इंशाल्लाह हर वीडियो आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। और आप भाई सब जो भी हैं भरपूर साथ देना, गरीब आदमी है भाई, ऊपर से यह लॉकडाउन लग गया, बीमारियां ने घेर लिया है, आप सभी सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, कुछ व्यूज़ आएंगे आप भाई साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, तभी कुछ हमारा चैनल ऊपर भी उठेगा, कुछ हमारा हौसला अफजाई हो जाएगा, कुछ हमारा गुजारा हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली बहुत गरीब हूँ, बीमारियों ने भी धो दिया है बिल्कुल, बच्चे भी बीमार हैं, हम भी बीमार हैं। अब ये सोचा है कि इस पर व्लॉगिंग भी करें, कुकिंग की वीडियो भी बनाएं, काला तितर के हिसाब से वीडियो बनाएं। आई होप आप भाई वीडियो हमारी पसंद करेंगे और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ देंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर और हमारा भरपूर साथ देने का शुक्रिया। ये भाई तो अभी दाग पका रहे हैं, ऐसा दलिए के लिए आलू प्याज और मिर्च वगैरह हमने काट लिए हैं, सामान सारा इकट्ठा कर लिया है, दाग पका है प्याज का, इसमें ऑयल डाला है, एक कप ऑयल है, बाकी दो प्याज डाले हैं इसमें हमने। तीन चम्मच लाल मिर्च है भाई, you
माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, तकरीबन ये दलिया जो है गंदम का दलिया बन गया है, आलू पुलाव किया है गंदम के दलिए में से। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी, माड़ी मोटी जी खुश है। ऐसे में समोसे पकौड़े पापड़ वगैरह ये सब मैं बना जाता हूँ, रोटी बनाना भी आ जाती है, कुछ काम आते हैं कुछ काम अभी सीख रहा हूँ, दुआ करें सीख जाऊँ। क्योंकि ये लग ना जाए तला, इसका लग ना जाए जल ना जाए, इस वजह से इसको हिलाना पड़ेगा। शाबाश शाबाश।
रहा है।